हेलो एवरीवन, आज हम बिहारी पर बात करेंगे। कवि बिहारी जो है उन्हें रीतिसिद्ध कवि कहा जाता है, मतलब ये रीतिकाल के कवि हैं। और इन्हें रीतिकाल के कवियों में भी जैसे रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध ऐसे कवियों में बांटा गया है, तो उसमें बिहारी जो हैं वो रीतिसिद्ध कवि कहलाते हैं। और मुक्तक काव्य के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रिपेयर करवाऊँगी। इस वीडियो में आपको मैं व्याख्या करवाऊंगी जो कि आपकी सप्रसंग व्याख्या में हेल्प करेगा। मैं वो सारी व्याख्या करवाने वाली हूँ इस वीडियो में जो आपके एग्ज़ाम में आएंगी, और उस व्याख्या को, उन पदों को पूरी तरह से स्किप करने वाली हूँ जो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, जिनको साफ साफ बुक में लिखा हुआ है कि यहाँ से व्याख्या नहीं आएंगी। लेकिन वो बुक में इसलिए दिए हुए हैं ताकि आप जो कवि बिहारी हैं उनको अच्छे से समझ सको और उसको पढ़कर फिर वो आपके नेट ZRF के एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। ठीक है, तो चलिए हम MSD 1 एग्ज़ाम के दृष्टि से इसकी सारी सप्रसंग व्याख्या करते हैं और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं जल्दी से। तो अगर आप कवि बिहारी के बारे में पढ़ेंगे तो रीतिसिद्ध कवियों में इन्हें सबसे ऊपर रखा जाता है, और जो बिहारी हैं उनकी साहित्यिक ख्याति का एकमात्र आधार उनकी सतसई है। उन्होंने 719 के आसपास उन्होंने पद लिखे हैं और वो सारे, उनका सबका संकलन यानी वो सारी खट्टा बिहारी सतसई में हमें देखने को मिलती है। और अर्थ की दृष्टि बिहारी के जो दोहे हैं वो बहुत ही अद्भुत हैं, और इसीलिए किसी ने लिखा है ऐसा या कहा जाता है कि सतसैया के दोहे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, यानी सतसई के दोहे जो हैं वो नावक के तीर के समान है, जो देखने में भले ही छोटे लगते हैं लेकिन वो बहुत ही गहरा घाव करते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव जो है पाठक के ऊपर छोड़ते हैं, एकदम मार्मिक जो है मूल्यांकन दृष्टि हमें देखने को मिलती है। ठीक है, किसके, बिहारी के दोहे में बहुत बड़ी बड़ी बातों को दोहों के माध्यम से वो कह जाते हैं। अब मैं ये जो पेज आपके सामने दिख रहा है ये बुक में दिया हुआ है, मतलब मैंने ग्रीन कलर से इस पर मार्क कर दिया है, जिसे आपके में दोहा 1 जो है व्याख्या के लिए आएगा, दोहा 6 आएगा, यहाँ पे 3, 4 ये सब स्किप किए हुए हैं, ये नहीं आएंगे, इसीलिए उस पर मैंने मार्क नहीं किया है। आप इसको पढ़ भी सकते हैं, वैसे मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे दोहा 1 है उसमें है कि मंगला चरण पर बात की गई है, यानी इसमें क्या करते हैं बिहारी अपने जो उनका ये ग्रंथ है उसको स्टार्ट करने से पहले क्या है मंगलाचरण गाते हैं और राधा से प्रार्थना करते हैं ताकि उनका जो ये रचना है वो सफल हो। वहीं पे दोहा 6 है उसमें क्या करते हैं, प्रेम में नेत्र कैसे निर्णायक भूमिका अदा करते हैं उसके बारे में बात की गई है, यानी प्रेमी और प्रेमिका जो हैं वो इस प्रकार मतलब भीड़ से घिरे हुए हैं कि वो आपस में बात नहीं कर पाते मुंह से, तो इसलिए आंखों ही आंखों, इशारों ही इशारों में वो दोनों बातें करते हैं। इसका वर्णन क्या है जो दोहा 6 है उसमें किया गया है। इसी तरह दोहा 10 है जो हमारे एग्जाम में आएगा उसमें जो है प्रेमिका के विलक्षण विरह की चर्चा है, यानी कि वो नायक की याद में वो तड़प रही है वो अकेली है, तो उसका वर्णन है। उसी तरह दोहा नंबर 20 आएगा उसमें क्या है कि कवि ने राधा और कृष्ण के बीच जो अद्वितीय प्रेम है उसका परिचय दिया, अटूट प्रेम है, बहुत गहरा संबंध है उन दोनों के बीच में। ठीक है, उसकी बात की गई है और दिखाया जाता है कि कैसे राधा जो होती है कृष्ण की कुंसने से बात करना चाहती है और इसीलिए जानबूझकर उनकी जो मुरली होती है वो छिपा देती है, और कृष्ण बोलते हैं कि मुरली दे दो तो वो जानबूझकर मना कर देती है ताकि कृष्ण उससे बातें करें और मुरली में व्यस्त ना रहें। इसी तरह जो दोहा नंबर 24 है उसमें कवि जो हैं श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की जो अवस्था है उसके बारे में बात कर रहे हैं, किस प्रकार ना केवल राधा बल्कि जो गोपियां हैं कृष्ण की याद में उसी यमुना तट पर बैठी हैं जहां पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं,
ठीक है, और उस मौसम में उस नदी के जल में शीतल जो वातावरण है वहाँ पर कृष्ण की बातें कर रही हैं। इसी प्रकार जो दोहा नंबर 27 है उसमें राधा कृष्ण का जो अटूट प्रेम है उसके बारे में बात की गई है। और इसी प्रकार 29 जो है उसमें कहा गया है कि कृष्ण ने जो है सत्संग जो होता है उसकी महिमा के बारे में बात की गई है। अच्छी संगत में, उसकी अच्छी संगत में रहने से उसका क्या फल मिलता है उसकी बात की गई है। वहीं पे थोड़ी सी तारीफ़ यहाँ पे की गई है जो कि दोहे से नहीं है, उसमें बोला गया है कि जो बिहारी है ना वो श्रृंगार के कवि हैं। ठीक है, सौंदर्य रीतिकाल के जितने भी कवि हैं आपको पता है कि श्रृंगार के कवि होते हैं, और इसीलिए निश्चित रूप से बिहारी भी श्रृंगार के कवि बड़े कवि हैं। उन्होंने जो दोहे लिखे हैं यानी दो पंक्तियों में जो लिखे जाते हैं वो दोहे होते हैं, और उनके दोहों में इस भाव का तमाम बारीकियों से अत्यंत कुशलता से चित्रण किया गया है। श्रृंगार हमें देखने को मिलता है, बहुत ही कुशलता से सौंदर्य का वर्णन जब वो करते हैं तो वो श्रृंगार कहलाता है, वहाँ पे श्रृंगार हमें देखने को मिलता है। लेकिन कवि को श्रृंगारेतर अनुभव भी है, मतलब श्रृंगारिक रचना के अलावा उस और भी जो दूसरी प्रकार की रचनाएं होती हैं उसका भी प्रॉपर इन्हें एक्सपीरियंस है। वह जीवन और समाज की जटिलताओं से भी परिचित है, यानी कि वो श्रृंगारिक कवि भले ही कहलाते हैं लेकिन जो जीवन होता है, सांसारिक जीवन होता है, समाज होता है, उस पर भी उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। इस भाव के दोहे सत्संग में संख्या की दृष्टि से कम आवश्यक है, यानी कि उन्होंने कहा है कि मतलब भले ही श्रृंगारी कवि हैं लेकिन हाँ समाज और जीवन पर जो उन्होंने लिखे हैं उस पर हमें थोड़े कम ही इनके दोहे मिलते हैं, परंतु फिर भी हमें लास्ट के जो पैराग्राफ्स हैं, जो दोहे हम डिस्कस करेंगे, उसमें हमें उनके जो सांसारिक जीवन है उससे रिलेटेड उनके ज्ञान का पता चलता है। जैसे दोहा 33 है जिसमें कवि ने संपत्ति के बढ़ने के साथ व्यक्ति के मन की जो असंतुलित होने की स्पष्ट संकेत हैं वो बताया है। कैसे व्यक्ति, जैसे उन्होंने कनक और धतूरे का कंपैरिजन करके बताया कि कैसे लोगों के पास अधिक धन आने लगता है तो उनका घमंड अभिमान बढ़ जाता है, तो वो चीज़ें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि घमंड से व्यक्ति के जो समूल नाश तक स्थिति आ जाती है, और भाव की सुंदर व्यंजना दोहे जो हैं वो दिखाते हैं हमें, मतलब कि जब व्यक्ति को अधिक धन मिलने लगता है तो कई बार वो धन इतना हावी हो जाता है उसके ऊपर कि वो अभिमान हो जाता है जिससे वो स्वयं का भी नाश कर देता है, मतलब वो कहीं का नहीं रहता है, वो शराब के नशे में इतना मद हो जाता है कि कई बार उसी का शिकार हो जाता है। इसी प्रकार आगे वो जो सांसारिक समाज और जीवन का ज्ञान देते हुए अपने दोहों में बताते हैं कि दोहा नंबर 35 जो है बिहारी का, उसमें वो बताते हैं कि सोने से ज़्यादा ना मतलब सोना जो होता है वो धतूरे से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि धतूरा तो खाने से व्यक्ति सिर्फ बावला हो जाता है, मतवाला हो जाता है, नशे में चूर हो जाता है, वहीं पर सोना पाकर जो है वो उसका जो नशा होता है ना वो इतना ज़्यादा होता है कि उसको और पाने की इच्छा होने लगती है। और कवि अपने समाज के सूक्ष्म निरीक्षण का ही परिणाम है कि इस तरह के भाव के छड़े हुए, मतलब इसमें ये कहा गया है कि ये उनके जो अच्छा खासा मतलब उन्हें सामाजिक ज्ञान था इसीलिए उन्होंने ऐसी रचनाएं की जिसमें उन्होंने बताया कि धतूरा खा के तो सिर्फ व्यक्ति को नशा चढ़ता है, वहीं पे सोने का नशे में उस पर अभिमान इतना हावी हो जाता है, उसका सर चढ़ इतना उसका अभिमान बोलने लगता है कि वो सब प्रकार के रिश्ते और धन संपत्ति सब कुछ एट द एंड खो देता है ना। इसी प्रकार उन्होंने दोहा नंबर 43 जो है उसमें बात की गई कि बिहारी के एक प्रसिद्ध दोहा है, कवि ने अपने जो आश्रयदाता हैं जय सिंह उनको, वो जो रानी के प्यार में नशे में चूर थे उससे बाहर निकालने के लिए उस दोहे की उन्होंने रचना की थी। उन्होंने बताया था कि अभी तो उनकी जो रानी है वो उस अभी तो वो फूल भी नहीं है बनी है, वो तो एक कली है, उसमें ही जब उसके नशे में इतना ज़्यादा चूर है तो आगे क्या होगा, राजा को इस चीज़ से अपना ध्यान हटाकर राजकाज पर भी ध्यान देना चाहिए, ऐसे उन्होंने कहा था। इसी प्रकार उनका जो दोहा नंबर 44 है उसमें कवि ने प्रेम दशा का चित्रण उपस्थित करते हुए बुरे व्यक्ति पर प्रेम, जो प्रेमिका के मिलने से उत्पन्न होने वाला जो भाव है उसको बताया कि ईर्ष्या होने लगती है बुरे व्यक्ति को अगर जब प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं तो। इसी प्रकार उनका दोहा नंबर 56 है जिसमें बिहारी ने यह सत्य व्यक्त किया है कि जो साहित्य संगीत आदि में सिद्धि साधना से ही संभव है, कोई सरल कार्य
नहीं है, मतलब वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो होता है जब तक संगीत से उसे प्यार नहीं होता, जब तक उसे साहित्य से प्यार नहीं होता, एक अपने जो रति भाव में वो मदमस्त नहीं होता, तब तक उसका जीवन असफल है। ठीक है, जो व्यक्ति इन साहित्य से प्रेम करने लगता है उसका जीवन सफल होता है। इसका मतलब साहित्य का और व्यक्ति में इमोशंस जो होते हैं उसकी इम्पोर्टेंस को बताया कि व्यक्ति के इमोशंस हमेशा जिंदे जिंदा रहने चाहिए, वही उसको असली सुख दे सकते हैं, ऐसा कवि जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे ना बुक्स में आप हमेशा ऐसे ही देखोगे कि मैं अलग से कहीं नहीं बनाती, मैं बुक में ही लिखती हूँ, मुझे आदत है। इससे क्या होता है, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ पकड़नी पड़ती है, मुझे दो चार चीज़ें एक साथ लेके नहीं बैठनी पड़ती। तो मैं तो ऐसे ही समझाऊँगी, आप देख लो आपको अपने नोट्स कैसे बनाने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला हमारे एग्जाम में आएगा, इसमें मंगलाचरण है। राधा की प्रार्थना करते हैं, राधा की स्तुति करते हुए हमें बिहारी दिखाई देते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे स्याहू हरित दूती होई। ठीक है, यानी वो कहते बिहारी अपना ग्रंथ स्टार्ट करने से पहले राधा की पूजा करते हैं और उसे कहते हैं कि मेरा जो ग्रंथ है वो सफल समापन हो, और इसके लिए मेरी जो संसारिक बाधाएं हैं उसे आप हर लो। संसार की चतुर राधा नागरी, और उसके बाद वो कहते हैं जातन की छाई परे स्याहू हरि दूती होई, यानी कि राधा वो व्यक्ति हैं, वो देवी हैं जिनकी छाया पड़ने से कृष्ण भी जो हैं वो हरे भरे से मतलब चमचमाने लगते हैं, वो भी प्रकाशित होने लगते हैं। एक्चुअल में वो क्या है कि राधा की तारीफ कर कर राधा की वंदना करके कृष्ण को खुश करना चाहती हैं, क्योंकि कृष्ण भी राधा के दीवाने हैं। यहाँ पे जो बिहारी ने रचना के सफलतापूर्ण समापन के लिए श्री कृष्ण से आशीर्वाद लेने की राधा जी की स्तुति की है, क्योंकि उनकी जो परछाई है यानी राधा की जो परछाई है कृष्ण पर पढ़ते ही जो हैं वो कृष्ण हैं और ज़्यादा दीप्यमान हो जाते हैं, और ज़्यादा उनकी जो मतलब उनका जो प्रकाश है, हरा भरा प्रकाश है, वो चारों ओर उनके जीवन में भी, कृष्ण किस प्रकार राधा ने उन कृष्ण के जीवन को भी और ज़्यादा सफल बना दिया उनके जीवन में प्रवेश कर कर, उसी प्रकार कृष्ण के जो हृदय में मन मस्तिष्क में हर जगह राधा का ही वास है, इसीलिए क्या बोलते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण की वंदना करते हैं राधा के माध्यम से। तो अब एक बार दोबारा समझा देती हूँ कि आप जब एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे कि कवि बिहारी अपने ग्रंथ की सफलता के लिए राधा जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि मेरी संसारिक बाधा वही चतुर राधा दूर करेगी जिसकी छाया पढ़ते ही सांवले कृष्ण हरे रंग के प्रकाश वाले हो जाते हैं। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार हमारा जो 6 आएगा, तो कहत नट रिझत खीजत मिलत खिलत लजियात, हरे भवन में करत है नैनहू सब बात। यानी कि जो बिहारी हैं वो कहते हैं कि जो राधा है, देखिए यहाँ पे मैंने लिख, मतलब जो राधा है वो कृष्ण से मतलब वो मतलब कहते नट रिझत खीजत मिलत खिलत लज्जियात, भरे मतलब भरे भवन, मतलब भीड़ भाड़ से भरा हुआ है भवन, गुरुजन चारों ओर बैठे हुए हैं, और ऐसे में राधा कृष्ण है एक दूसरे को इशारों ही इशारों में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कभी मतलब कभी रीझते हैं, कभी खिलते हैं, कभी ना इशारे इशारों में हर तरह की बातें उनसे हो रही है। कृष्ण अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो राधा कह रही नहीं, गुरुजन बैठे हैं, है ना। तो गुरुजन की उपस्थिति के कारण जो कक्ष में नायक नायिका मुख से वार्तालाप करने में असमर्थ हैं, इसलिए वे आँखों के संकेतों के द्वारा बातें कर रहे हैं। सिंपल, ख़त्म। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार हमारा 10 आएगा एग्जाम में, जिसमें विरह बाधा है। तो लाल तुम्हारे विरह की अग्नि अनूप अपार, सरसे बरसे नीर हूँ झर हूँ मिटे न झार। यानी जो ये कृष्ण को उल्हाने देते हुए उन्हें कहती हैं कि देखो कृष्ण, बिहारी लाल तुम्हारी जो विरह की अग्नि है उसमें इस वो इतनी विलक्षण है, इतनी अनोखी है कि हम उससे पार ही नहीं पा रहे हैं। सर से बरसे नीर हूँ झरत, यानी कि चाहे जितना मतलब उस पर पानी डाल लो, जल डाल लो, लेकिन उसकी विरह की जो अग्नि है वो इतनी प्रचंड है, इतनी ददक रही है, उसकी जलन इतनी तीव्र है कि उस पर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं पड़ रहा है। जो ठंडी है वो भी क्या है, गर्म बन जाती है। मतलब हम लोग आपकी जो वियोग की पीड़ा है, व्यथा है, उसमें तड़प रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, झार मतलब जलन और झर मतलब प्रचंड ताप। ठीक है, इसी प्रकार अनुप मतलब होता है विलक्षण, और विरह मतलब विरह, और ठीक है अपार मतलब इन्फिनिट। ठीक है, इसी प्रकार और कौन सा आएगा, हाँ ये आएगा 11 वाला, मकर कृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, धर्यो मनोही धर समरु ड्योड़ी लसत निशान। हाँ, इसका मतलब ये बोला गया है जो कृष्ण हैं उनके सौंदर्य का वर्णन किया गया है यहाँ पर। उसमें कहा गया है कि बिहारी लाल द्वारा कृष्ण के जो कानों में कुंडल यानी जो मतलब पहले के जो राजा महाराजा होते थे वो भी कानों में इयरिंग्स पहनते थे, तो उसी को कुंडल बोला गया है। तो कृष्ण के कानों में जो कुंडल हैं उसकी तारीफ करते हैं, और वो कहते हैं कि नायिका मतलब कहते हैं कि वो जो रचनाकार है वो कहते हैं कि कृष्ण के कानों में मकर यानी मगरमच्छ की आकृति के जो ये कुंडल है बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। उनके हृदय रूपी तेज पर कामदेव ने विजय पा ली है। कामदेव ने क्या किया है, विजय पा लिया है कृष्ण के, उनके हृदय पर जो है कामदेव ने विजय पा लिया है। इस प्रकार का वर्णन यहाँ पे कृष्ण के, बेसिकली कृष्ण का जो सौंदर्य है उसी का वर्णन किया गया है। सभी जो हैं उनके इस रूप सौंदर्य पर मोहित है, चाहे वो गोपियाँ हों, चाहे वो राधा हों, चाहे गोपालवासी हों, सभी जो हैं कृष्ण की सौंदर्य पर पागल हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार हमारे में आएगा 19 आएगा, पत्रा ही तिथि पाइए बा घर के चहुपास, नित प्रति पुण्यो रहे आनंद ओप उजास। यानी कि इसमें बोला गया है, यानी सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर भी है, और इसमें पुण्यो योई मतलब होते हैं पूर्णिमा, यानी कि जो आप चाहो ना, तो बेसिकली इसमें बोला गया है कि नायिका की सुंदरता का वर्णन यहाँ पे किया गया है, और इसमें बोला गया है कि बिहारी कहते हैं कि गोपियों, इसमें ये बेसिकली इसमें जो है पत्रा ये वाला हम 19 कर रहे हैं ना, तो इसमें हाँ ये लिखा हुआ है कि नायिका के घर के चारों ओर जो है पत्रा यानी पंचांग। ठीक है, जब चांद जो मतलब जो चांद होता है वो पूरा का पूरा खिला रहता है, मतलब पूरा पूरा शेप में होता है। ठीक है, तो नायिका के जो चेहरा है बिल्कुल उस चांद की तरह है, जो हमेशा चमकता रहता है। ठीक है, और ऐसे में क्या करते हैं, पंचांग में ही तिथि ज्ञात की जा सकती है, यानी कि नायिका का जो चेहरा है वो क्या है, बिल्कुल जैसे पंचांग होता है, उसमें क्या होती है, चारों ओर हमेशा रोशनी रहती है, उसी प्रकार नायिका के सौंदर्य की वजह से उसके घर के चारों ओर जो है ना हमेशा रोशनी रहती है। पूर्णिमा ही पूर्णिमा यानी प्रकाश जो होता है वो सदा फैला रहता है, जिससे क्या है कि आप पंचांग की जो तिथि है वो भी निकाल सकते हैं, वो भी पता कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से समझाती हूँ। देखो, जैसे
नायिका के घर के चारों ओर जो है परछांग से ही तिथि ज्ञात की जा सकती है, क्योंकि नायिका के जो चेहरा है उसकी सुंदरता का प्रकाश इतना है कि वो चारों ओर रोशनी कर देता है, जिससे वह सदा पूर्णिमा का सा आभास होता है। यानी नायिका का जहाँ पे घर है वहाँ पर उसके चेहरे की वजह से इतनी ज़्यादा रोशनी रहती है कि हमेशा ऐसा लगता है जैसे चांद निकला हुआ है, और उस चांद की रोशनी से तुम पंचांग की जो तिथि है वो निकाल सकते हो। ठीक है, बस इतना बोला गया है यहाँ पे। रूप सुंदर का वर्णन बेसिकली किया गया है। इसी प्रकार जो है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे बोहन हनु हसे देन कहीं नटी जाए। इजी वाला आ गया है ना। राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन यहाँ पे किया गया है। इसमें कहा गया है कि जैसे यहाँ पे लिखा है, बिहारी कवि कहते हैं गोपियों ने श्री कृष्ण की जो मुरली है इसलिए छुपा दी है ताकि वह इसी बहाने कृष्ण से बात कर सके, उन्हें बात करने का मौका मिल सके, और साथ ही गोपियाँ जो हैं वो जब कृष्ण उनसे मांगते हैं तो वो झूठी कस्में खाती हैं कि नहीं नहीं हमने नहीं लिया, वहीं आपस में खिलखिला कर हंसती हैं, ठीक है, बहाने करती हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है कि बतरस यानी बातचीत करने के लिए, बातचीत करने के लिए बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, है ना, यानी कृष्ण से बात करने के लिए इसी वजह से सिर्फ जानबूझकर कृष्ण की मुरली जो है छुपा कर धर दी गई है, और झूठ मूठ की कस्में खाती है कि नहीं नहीं हमने नहीं धरी है, जबकि असल में उन्होंने ही धरी है। ठीक है, तो ये सब इसमें बताया गया है। और एग्जाम में क्या आएगा, अब हम एग्जाम में वाला भी आएगा 24 वाला। सगन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु है जादू अजो वह उही जमुना के तीर। यानी कि कृष्ण का याद कर रही हैं, ठीक है, कृष्ण को गोपियां याद कर रही हैं, राधा याद कर रही हैं, और उसी सघन कुंज यानी उसी घने जंगल में वो लोग उसी के पेड़ की छाया के नीचे शीतल हवा में उसका आनंद ले रही हैं, वो जो यमुना का तीर है उस, ठीक है, वहाँ बैठी हैं, और जो वो हवा ठंडी ठंडी शीतल हवा चल रही है उसका आनंद ले रहे हैं। मनु है जातु अजो, आज भी क्या है, यमुना के तीर के पास कृष्ण की जो मुरली है, मुरली है मधुर धुन, उसका स्मरण करते हुए कृष्ण की याद में क्या है, बातें कर रही हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। इसी प्रकार और हमारे में ये आएगा, चीर जीवो जोरू सॉरी जोरी जीरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी ए वृष भानुजा वे हल्दर के वीर। क्या बात है, यानी प्रेम की अधिकता की बात की गई है, यानी कि इन चिर जीवो यानी कि सदा जीवित रहे, किसका संबंध, राधा कृष्ण का जो प्यार है हमेशा जीवित रहे, एक लंबी आयु उसे इस जोड़े को मिले, और मिले भी क्यों ना, कौन किसी से कम है, जहाँ कृष्ण बलदेव के जो हैं वो भाई हैं, ठीक है, तो वहीं वो बड़े बाप की वृषभानु की बेटी है, ठीक है, दोनों ही एक से बढ़ के एक हैं, ऐसा बोला गया है। राधा कृष्ण की ये जोड़ी चिरजीवी यानी लंबे समय तक चलती रहे, इसमें गहरा प्रेम क्यों ना हो भला, दोनों कौन किससे घटकर है, है ना, ये ए है जो वृषभानु की लाडली बेटी है, वहीं पे विख्यात वीर बलदेव के छोटे भाई हैं, ठीक है, ऐसे बोला गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे है, अजो तर्योन ही रहो श्रुति एक रंग नाक बास बेरी लेहो बसी मुक्तोनी के संग। यानी यहाँ पे क्या है, बेसिकली सत्संग जो होता है, कवि ने श्लेष का उपयोग करके सत्संग की जो महिमा होती है ना उसका वर्णन किया है। हम आगे बढ़ेंगे तो हमें 33 मिलेगा कि इसमें लिखा है, बड़त बड़त संपत्ति सलीलू मन सरोजू बड़ी जाए। यानी यहाँ पे उनका जो समाज जीवन का जो ज्ञान है वो हमें देखने को मिलता है कि संपत्ति जो होती है उसके नेगेटिव इफेक्ट क्या होते हैं वो बात की गई। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू मन सरोज बड़ी जाए, घटत घटत सू ना फिरी घटे बरु समूल कुमिल लाए। यानी जिस प्रकार जो होता है जल होता है बढ़ते बढ़ते बढ़ता जाता है तो उसके साथ जो ये जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट को एग्जाम्पल से,
यहाँ पे जो धन होता है उसका नेगेटिव इफेक्ट बताते हुए बताया गया है कि धन का वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं कि जैसे तालाब का जो जल होता है वो बढ़ता जाता है, जिससे कमल की जो नाल होती है वो भी उसके साथ बढ़ती जाती है ना। यानी जब व्यक्ति के पास पैसा आ जाता है तो उसी के साथ उसका घमंड धीरे 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 बढ़ता जाता है, ठीक है, कि हाँ भाई मैं ये पानी नहीं पीता, मैं मिनरल वाटर पीऊँगा, ऐसे ऐसे मतलब व्यक्ति की जो आदतें होती है ना वो बदलती जाती है। व्यक्ति अपने जो डाउन टू अर्थ नहीं रहता, ठीक है, उसमें थोड़ा थोड़ा घमंड आने लगता है, उसकी आदतें बदलने लगती है। उसी प्रकार जैसे तालाब में जल का स्तर बढ़ने से कमल जो होते हैं उसकी नाल बढ़ तो जाती है उसके साथ, लेकिन जब जो तालाब होता है उसका पानी का स्तर जब घट जाता है ना, स्तर पानी का स्तर तो घट जाता है लेकिन वहीं पर पुष्प की जो नाल होती है ना वो नहीं घट पाती, वो छोटी नहीं हो पाती, और उस इसी वजह से क्या है वो सड़गल जाती है, वो नष्ट हो जाती है ना। तो मतलब लाइफ क्या है, उतार चढ़ाव का एक चक्र है, ठीक है। तो व्यक्ति को इतना ज़्यादा एक उस पर नहीं रहना चाहिए, उसको एकदम लचीला जैसे डाल होती है, ठीक है, पेड़ की डाल होती है, बहुत तेज हवा आती है तो जो पेड़ लहला के मतलब ऐसे लहरा सकता है वो पेड़ तो बच जाता है, वहीं पे जो पेड़ एकदम सीधा तना रहता है वो कहीं ना कहीं टूट जाता है क्योंकि वो मुड़ नहीं पाता। तो व्यक्ति को अपने स्वभाव में इतनी सहजता इतनी शालीनता लानी चाहिए कि वो ऊंचाई पे जाने के बाद नीचे आने के लिए भी सक्षम हो, ठीक है, ऐसी बात कही गई है इसमें। और उसके बाद क्या है, ज्ञान दिया गया है, जीवन का ज्ञान दिया गया है या शिक्षा दी गई है, ठीक है। इसी पत्र अगला 35 आएगा हमारे एग्जाम में, इसमें लिखा है कनकु कनन तय सोगुनी मादकता अधिकाए उही खाए बौराए ही पाए ही बौराए। यानी यहाँ पे बोला गया है कि एक तो कनक मतलब धतूरा होता है, एक कनक मतलब सोना होता है, यानी जो धतूरा होता है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक तो सोना होता है। जहाँ पे धतूरा खा के व्यक्ति मदमस्त हो जाता है वहीं पे सोने का जो पागलपन होता है उसका अभिमान इतना ज़्यादा सर चढ़ के बोलने लगता है कि व्यक्ति क्या है पूरी तरह बौरा जाता है, पागल हो जाता है, ठीक है। वो सोना जो है धतूरे से भी ज़्यादा खतरनाक है, यानी धन का जो लालच है ना वो किसी भी नशे से सबसे बड़ा नशा है और ये नशा कभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है, ये बोला गया इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है रणित श्रृंग भृंग घंटावली झरित दान मधु नीरु मंद मंद अवतु चल्यो कुंजरु कुंज समीर। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इसमें क्या है, जो हमारे कवि हैं बिहारी वो वसंत ऋतु का, ठीक है, स्प्रिंग सीजन का वर्णन करते हुए कहते हैं, जैसे उस टाइम फूल खिल रहे होते हैं और प्रकृति में एक अलग ही संगीत बज रहा होता है, कभी हवाओं का, कभी पत्तों की सरसराहट का, चिड़ियों की चहचहाट का और तितलियां। तो उसी तरह वसंत ऋतु में क्या है, जैसे गले में घंटी बांधकर हाथी जो होता है उसकी झनकार की आवाज़ करता हुआ मद मस्त अपनी ही मस्ती में झूमता हुआ आ रहा होता है, ठीक है, और ठंडी ठंडी शीतल हवाएं चल रही होती है। तो यहाँ पे वसंत का वर्णन बिहारी ने किया है, ठीक है। और यहाँ पे वो जो मैंने समझाया था उसका है, मैंने अपने पेन से लिख रखा है, आप चाहो तो लिख लो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे एग्ज़ाम में 43 भी आएगा, इसमें लिखा है नहीं परागु नहीं मधुर मधु नहीं विकासु इकाल अली कली ही सो बंद्यो आगे कौन हमार। यहाँ पर जो बिहारी हैं वो राजा को बताना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि इस समय इस काल में ना तो अब तक पुष्प या पुष्प का परा पुष्प में पराग आया, यानी कि जो राजा की जो पत्नी हैं वो अभी बहुत ही छोटी हैं और ये उम्र सिर्फ प्रेम में डूबे रहने की नहीं है, है ना, इस पुष्प में तो अभी पराग भी नहीं आए हैं, ठीक है, और ना ही उन्होंने बोला है कि ना ही ये उचित उम्र है अभी सिर्फ और सिर्फ प्यार में डूबने की, वो कहते हैं, और ना ही मीठी मधु मौजूद है, यदि अभी से ही जो है भौरा पुष्प की कली में बेसुध रहेगा, है ना,
यानी भौरा कौन है, जय सिंह की बात हो रही है, पुष्प यानी उनकी पत्नी, ठीक है। तो भौरा अगर पुष्प में, पुष्प की जो कली है, पुष्प भी नहीं है वो प्रॉपर, वो तो अभी कली ही है, वो भी अभी तो परिपक्व भी नहीं हुई पूरी, है ना, और उसी में अभी बेसुध रहेगा, तो आगे क्या होगा। इस दोहे के माध्यम से बिहारी जी जो हैं जयसिंह को यह संदेश देना चाहते हैं कि राजा को रानी के प्रेम से ध्यान हटाकर राज्य पर भी ध्यान देना चाहिए, उसके राजकाज को भी संभालना चाहिए। विश्व प्रसिद्ध पंक्तियां हैं ये दोहे की। इसी प्रकार दिग्छत टूट कुटुम्ब जुरत चतुर चित्रीत परती गांठ दुर्जन हियो दये नये यह रीति। बेसिकली इसमें बोला गया है कि जो प्रेम की रीत बड़ी अनोखी होती है, क्योंकि प्रेम में उलझते नैन हैं इसलिए परिवार बिखर जाते हैं, वही कोई चालक प्रेमी जोड़े तो बंधन जाते हैं, लेकिन वो जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं रिश्तों में दरार पड़ जाती है। दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परती गांठ दुर्जन है दई नई यह रीति। यानी एक प्रकार से ये परंपरा परिपाटी चली आ रही है, जहाँ पे मिलते तो नैन हैं लेकिन उलझ रिश्ते जाते हैं, ठीक है, रिश्तों में गांठ पड़ जाती है। वहीं पे किसी का अगर हृदय मिल भी जाता है, दो प्रेमी मिल भी जाते हैं, तो जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं उनके हृदय में एक जलनसी होने लगती है। इस प्रकार हमें क्या देखा, हमने देखा है कि परंपरा से ही प्रेमी और जो प्रेमिका है उसका मिलन नहीं हो पाता। यहाँ पे बिहारी जो हैं वो बताते हैं, इसके बारे में उन्होंने इसका वर्णन किया है। और फिर उसके बाद आगे हम, हमारा ये लास्ट है और इसमें इन्होंने बोला है 56th, इसमें बोला है स्त्री नाद कवित्र रस सरस राग रति रंग अन बड़े डूबे तरे जे बूढ़े सब अंग। यानी यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि जो वीणा की झनकार होती है, कविता का जो रस होता है, सरस गान मधुर गान जो होता है, या फिर प्रेम के रंग में जो कोई प्रेम का जो रंग होता है, ठीक है, प्रेम जो रति भाव होता है उसमें जो नहीं डूबता, तलीन नहीं हुआ, समझ लो वही डूब गया, अपना जीवन नष्ट किया। मतलब व्यक्ति को जीवन में एक बार कविता का रस और मधुर गान और वीणा की झनकार और प्रेम का रस का आनंद लेना चाहिए, ठीक है। जो इसमें नहीं डूबता वो असल में अपने आप को ही नष्ट कर देता है, जो इसमें सर्वांग डूब गया, और जो इन सब तीनों चारों का आनंद ले लेता है वो एकदम जो होता है उसका जीवन जो होता है वो सफल हो जाता है, ऐसा बिहारी कहते हैं। वही तर गया पार हो गया इस जीवन का यथार्थ फल पा गया। मतलब व्यक्ति को जो है अपने व्यर्थ जीवन, जो व्यस्त जो जीवन होता है उसमें भी जो है इनका आनंद लेना चाहिए, है ना, एंटरटेनमेंट के लिए बेस्ट ये होते हैं, उसे इसका आनंद जरूर लेना चाहिए एक बार, चाहे वीणा की झनकार हो, चाहे कविता का रस हो, चाहे सरस मधुर गान हो, चाहे प्रेम का जो रंग हो उसमें अवश्य डूबना चाहिए, तभी उसका जीवन जो है सार्थक होगा, ऐसा बिहारी कवि मानते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ये जो सारे हमारे दोहे थे वो हमने ख़त्म कर दिए हैं हमारे एग्ज़ाम में। इससे अलग कोई भी दोहा बिहारी से रिलेटेड नहीं आएगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। हमारी अगली वीडियो जो होगी वो मुक्तक छंद और बिहारी पर होगी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में बार बार ये क्वेश्चन बिहारी से रिलेटेड पूछा गया है, तो इसको हम ज़रूर कवर करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमने बिहारी को कवर कर लिया है। इसके साथ प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लास ग्रुप पर शेयर करें। थैंक यू।